राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन बालव जय गिरिवर जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज जय यशोदानंदन जय ब्रज जय नारंजन जय ब्रज जय नारंजन जय यशोदानंदन सौदा जीवन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय जसोदा जीवन जय ब्रज जन रंजन जय जामुन तिरवन चारी जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज बिहारी जय हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोला कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ठीक हो जा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि बोल Thank you.
हरे कृष्ण कही वा इंग्लिश इंग्लिश से कर दे इंग्लिश से कर दे हरे कृष्ण हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री धाम कहा नंदगाम भ्रमण करते करते अभी जिस स्थान पर आए हैं ये स्थान का नाम है उद्धव क्यारी। क्या नाम है? जोर से बोलो। इसलिए श्री गुरुदेव कहा करते थे जैसे राधा कुंड का महिमा भी कम नहीं है, वृंदावन का भी महिमा कम नहीं है, प्रेम सरोवर की महिमा भी कम नहीं है, लेकिन गुरुदेव कहते थे श्री नंदगाम भी कम नहीं। बोले क्यों? बोले जहां पर ये जो स्थान है यहाँ पर बिरह रस का स्थान है, ये विप्रलंबर रस जहां पर प्रकाशित हुआ है। इसलिए रस दो तरह का है। कितना तरह का है? कहते एक है संभोग, एक है तो ना मिलन, और एक होता है बिरह। रस दो तरह का है। कहते ये बिरह में क्या होता है और मिलन में क्या होता है, तो मिलन को उदाहरण दिया जैसे चंद्रमा को साथ में, और बिरह को उदाहरण दिया किसको साथ में? सूरज को साथ में। जैसे बिरह अवस्था में कहते जैसे सूरज का किरण जैसे वहां पर पड़े, लेकिन उसका प्रकाश दूसरा तरफ में है, जैसे जहां सूरज का किरण पड़े वहां तो प्रकाश करता है, लेकिन उसका किरण दूसरे स्थान को भी प्रकाशित करता है। लेकिन जो चंद्रमा का किरण, बोले जहां पर ये चंद्रमा का किरण पड़े केवल वहीं पर प्रकाश करता है, वो और कहीं का प्रकाश नहीं करता है। लेकिन जो बिरह कहते बाहर और भीतर ये दो चीज को प्रकाश करता है, मतलब ऐश्वर्य को भी प्रकाश करता है और इसको साथ साथ में ये माधुर्य को भी प्रकाश करता है। दोनों चीज को ये बिरह प्रकाश करता है। जैसे गोपी गीत ये बिरह अवस्था की कीर्तन है, लेकिन गोपी गीत का जो पहला श्लोक है बोले जयतीतधिकाम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतात्रहि दृक्षताम दीक्षुता अबका तोई धृता सब स्वान विचीन से। इसलिए कहते हैं जो ये जो श्लोक है कहते ये दो चीज को प्रकाश करता है। बोले हे श्याम सुंदर जब से तुमने ब्रज में प्रकट हुए हो, बोले तब से क्या हुआ? बोले श्रयत इंदिरा। कहते जो ब्रज भूमि, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, कहते जो ब्रज भूमि ये लक्ष्मी की क्रीड़ा भूमि बन गई है, ये लक्ष्मी की ये क्रीड़ा भूमि बन गई। अभी प्रश्न होता है जब गोपियां कृष्ण को अपना प्राण प्रियतम जानते हैं, फिर वो कैसे लक्ष्मी की बात कैसे कर रहे हैं? ये ब्रज कैसे लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थान कैसे बन गया कैसे बता रहे हैं? कहते बिरह अवस्था में एक साथ में उनकी ऐश्वर्य और ये माधुर्य एक साथ में प्रकाशित होता है। इसलिए गुरुदेव क्या कहते थे कि जो स्थान है ये बड़ा श्रेष्ठ स्थान है, बड़ा श्रेष्ठ स्थान। इसलिए गुरुदेव जब यहाँ पर आते थे ना, जो लोग गुरुदेव के साथ में थे वो लोग देखे होंगे, गुरुदेव यहाँ आकर के एकदम अभिष्ट हो जाते थे और बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ पर इतना सुंदर उन्होंने जो भ्रमर गीत को बड़ा सुंदर रूप में यहाँ पर वर्णन करते थे। इसलिए कृष्ण श्री उद्धव जी को भेजा कहाँ पर? ब्रज में श्री उद्धव जी को भेजा। पहले हम लोगों ने श्रवण किया तो उन्होंने उद्धव जी को ब्रज में क्यों भेजा था, इसका कारण क्या है? इसमें तीन चार कारण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। पहला कारण कहते हैं कृष्ण चाहते हैं ये ब्रज भक्ति को, और ब्रज भक्ति में भी ब्रज गोपियों का जो भक्ति है ये सर्वत्र ये प्रचार और प्रसार करे, दुनिया को ये पता चले जितने भी ब्रज में सर्वश्र सख्य बात्सल मधुर रस का भक्ति है, लेकिन जीव को ये पता चले जो मधुर रस का जो भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति,
इससे और उत्कृष्ट भक्ति जगत में कुछ है ही नहीं। अब ये कृष्ण सोच रहे हैं, भैया ये बात को एरे गेरे व्यक्ति अगर बोले ना, सारा दुनिया कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति को द्वारा ये ब्रज भक्ति को, गोपियों के प्रेम को प्रचार किया जाए, जो सबके सब एक स्वर में, एक साथ में ये चीज को स्वीकार कर ले। बोले भैया किसको देख करके ये प्रचार करे? तब श्री देखा ये उद्धव जी को देख करके प्रचार करनी चाहिए। बोले उद्धव जी को देख करके क्यों प्रचार करनी चाहिए? बोले कृष्ण स्वयं, ये उद्धव जी की महिमा कृष्ण स्वयं कहते हैं। बोले हे उद्धव, तू मेरे जितने प्यारे हो, बोले ना तथा मैं प्रियतम आत्म ज्योनीर,